ओके, अगर आप भी ज्यादातर बीआर रैंक मोड खेलना प्रेफर करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको अभी के टाइम यूज किए जाने वाले टॉप 5 सबसे ज्यादा ओवरपावर्ड बीआर रैंक के टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। जिन टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आप देख कर यूज करोगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अपनी रैंक को हीरोइक, मास्टर और ग्रैंड मास्टर पे ले जा सकोगे। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 5 टिप से। टिप नंबर 5, अब मान लो एक बीआर मोड के मैच में दो प्लेयर है, दोनों ही बहुत ही ज्यादा प्रो है, दोनों ही प्लेयर सीएस और बीआर मोड के खिलाड़ी है, यानी कोई भी एनिमी उनके सामने आएगा तो उस एनिमी को नानी याद दिला देंगे ऐसा, जिसमें दोनों ही प्लेयर्स के प्लेइंग स्किल्स भी बहुत ही ज्यादा अच्छे है। बस उन दोनों में एक चीज का डिफरेंस है, नंबर 1 प्लेयर को सारे कैरेक्टर्स की एबिलिटी की नॉलेज है, यानी कि उस प्लेयर को पता है कि कौन सा कैरेक्टर किस मोड में यूज करना चाहिए, कौन सा कैरेक्टर कहाँ पे हेल्प करेगा और कौन सा कैरेक्टर कहाँ पे नहीं करेगा। और नंबर 2 ऐसा प्लेयर है जिसको कैरेक्टर एबिलिटी का एक भी नॉलेज नहीं है, यानी वो प्लेयर किसी के बताए बातों में या फिर अपने आप से एबिलिटी पढ़कर उसे जो कैरेक्टर्स अच्छे लग रहे होंगे वो उन्हीं कैरेक्टर्स को यूज कर रहा है। तो ऐसे में अब अगर दोनों प्लेयर्स एक ही बीआर मोड के मैच में खेल रहे होंगे और उनके बीच बस कैरेक्टर चॉइस का अंतर होगा, और अगर दोनों प्लेयर्स के बीच फाइट हो जाए, तो मेरे दिल के टुकड़ो, इसमें आपके हिसाब से कौन सा प्लेयर जीतेगा और कौन सा प्लेयर लॉबी में जाएगा, ये आप मुझे कमेंट में बता देना। तो इसका ऑब्वियस सा आंसर है, जो प्लेयर कैरेक्टर एबिलिटी की पूरी समझ रखता होगा वो प्लेयर बीआर मोड के लिए बीआर वाले बेस्ट कैरेक्टर्स को ही यूज कर रहा होगा, और अगर दोनों में फाइट भी हो गई तो वो उस दूसरे प्लेयर को इजिली मार भी पाएगा। तो अब यहाँ पे दोनों के प्लेइंग स्किल्स सेम होने के बावजूद बस कैरेक्टर नॉलेज के बेसिस पे एक प्लेयर हार जाएगा और एक प्लेयर जीत जाएगा। तो अगर आप पे नंबर 2 प्लेयर की तरह ऐसी वर्स्ट कंडीशन आपके ऊपर ना आए, इसलिए सबसे पहले आपको सारे कैरेक्टर्स की एबिलिटी को पता कर लेना है, और किस कैरेक्टर को कहाँ पे यूज करना चाहिए, कौन सा कैरेक्टर कहाँ पे हेल्प करेगा, ये भी पता करना जरूरी है। टिप नंबर 4, अब मान लो आपने बीआर मोड खेलने का डिसाइड कर लिया है और आपने बीआर मोड के लिए बेस्ट कैरेक्टर भी सिलेक्ट करके एक बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बो भी बना लिया है, और अब आप ठहरे रशर प्लेयर जिसने कभी भी दूसरे रोल में नहीं खेला था, यानी जैसे कि कभी हीलिंग रोल को यूज नहीं करा था एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी कि बस रश करके खेलते थे वो भी बीआर में। और मजे की बात है कि गलती से आपने पहले जिस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को सेट करा था वो रशर कॉम्बो ना होके वो हीलिंग कैरेक्टर कॉम्बो है, तो ऐसे में आपका पूरा रोल ही चेंज हो जाएगा ना, और आपका पूरा गेम खेलने का तरीका भी बिगड़ जाएगा, और जिससे अब आप अच्छे से खेल भी नहीं पाओगे, यानी आपका रश रोल पे हाथ सेट था तो आप दूसरे रोल पे कैसे खेलोगे यार। और अगर आप एनिमी से फाइट लेने जाओगे तो उल्टा उस अलग रोल पे आपको ही एनिमी मार के चले जाएगा, और जिससे आपकी रैंक भी प्लस नहीं होगी। तो ऐसी दिक्कत आपके साथ ना हो, इसलिए सबसे पहले आपको रोल को डिसाइड कर लेना है। जैसे कि अगर आप रशर प्लेयर हो तो रशर रोल बेस्ट होगा, अगर आप एक कैंपर प्लेयर हो तो कैंपर रोल बेस्ट होगा, और अगर लॉन्ग रेंज से संभालने वाले प्लेयर हो तो लॉन्ग रेंज वाला रोल बेस्ट होगा। यानी सबसे पहले आपको रोल को डिसाइड कर लेना है, और अगर ऐसे करोगे ना तो आपके उस रोल पे जीतने के चांसेस भी बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। तो इसलिए पहले अपने गेम प्ले स्टाइल के हिसाब से एक पसंदीदा रोल को ही सेट करना। और हाँ, टिप नंबर 3 बताने से पहले, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री होता है और ऐसी वीडियोस आपके लिए लाने में मोटिवेशन भी मिलता है, तो हो सके तो आप लाइटनिंग आर्मी के एक मेंबर बन सकते हो। टिप नंबर 3, अब मान लो एक तरफ आप हो जो कि एक रशर टाइप के प्लेयर हो, और दूसरी तरफ आपका फ्रेंड है जो कि कैंपिंग टाइप का प्लेयर है, और आप दोनों ने बीआर मैच खेलने के लिए सेम रशर कैरेक्टर कॉम्बो को ही यूज करा है, और लकीली आप दोनों की मैच मेकिंग भी सेम बीआर मैच में लग जाती है, और वो भी सोलो मैच में, जिसमें आपने और आपके फ्रेंड ने टिप नंबर 1 को फॉलो करते हुए बेस्ट कैरेक्टर बीआर के लिए कौन से है ये पता कर लिया, यानी कौन से कैरेक्टर की एबिलिटी कौन सी है ये पता कर लिया है, और अब आपने जिस कैरेक्टर कॉम्बो को यूज करा है वो आपके रोल के हिसाब का कैरेक्टर कॉम्बो है, यानी आप रशर प्लेयर हो और आपने रशर कैरेक्टर कॉम्बो को यूज करा है, और दूसरी ओर आपका फ्रेंड कैंपर प्लेयर है और उसने भी सेम रशर कैरेक्टर कॉम्बो को यूज करा है जो कि उसके रोल के पूरे अपोजिट है, यानी पूरे कैरेक्टर एबिलिटी की नॉलेज होने के बावजूद भी आपका फ्रेंड ऐसे कैरेक्टर को यूज कर रहा है जो कि उसके रोल के हिसाब से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और ऐसे में अब अगर आप सेम बीआर मैच में आप दोनों की गलती से फाइट हो जाएगी, तो ऐसे में आपके पास आपके फेवरेट रोल के हिसाब से परफेक्ट कैरेक्टर कॉम्बो है, तो ऐसे में आप उस एनिमी को इजिली लॉबी में भेज दोगे ना, क्योंकि उस एनिमी के पास उसके रोल के हिसाब से गलत कैरेक्टर कॉम्बो है, और जिससे वो एनिमी इजिली लॉबी में फिनिश होकर चले भी जाएगा। तो इस सिचुएशन का सीधा सा मतलब है, आपको कौन से कैरेक्टर को यूज करना चाहिए ये पता कर लिया, और रोल कौन सा यूज करना चाहिए ये भी पता कर लिया। तो अब आपको आपके रोल के हिसाब से आपको एक बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बो को यूज करना जरूरी है, अगर आपको सच में रैंक इंक्रीज करनी है तो। और अगर ऐसे करोगे तो आपको पूरे मैच में फायदा ही मिलेगा, और आप उस फ्रेंड को अपने रोल और कॉम्बो के बलबूते पर बहुत ही ज्यादा बराबर की फाइट भी दे पाओगे, या फिर उस फ्रेंड को हरा भी दोगे। टिप नंबर 2,
अब मान लो आप बीआर मैच खेल रहे हो और आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जहां पर आप जोन के अंदर ही एनिमी से फाइट ले रहे हो, यानी आप एनिमी को जोन के अंदर ही फिनिश करने के मूड में हो। तो यहां पे आप फाइट करने के मूड में तो हो, पर जोन में होने से आपके पास के इनहेलर और मेडिकिट भी खत्म होने लगी है और अब आपकी एचपी भी फाइट लेते लेते बहुत ही तेजी से खत्म होती भी जाएगी ना, वो भी जोन श्रिंक होने से, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। पर इन्हीं सब दिक्कतों में भगवान की कृपा से अब आपके पास लोड आउट में बोनफायर होगा, तो आप उस सिचुएशन में बोनफायर को यूज करते हुए जोन में हील हो पाओगे और एचपी इंक्रीज होने से आप उस एनिमी को इजीली फिनिश भी कर पाओगे ना। तो ये सब जो पॉसिबल हो पाया है तो वो बस बेस्ट लोड आउट सिलेक्शन की वजह से, जिसमें आपने सोलो खेलते वक्त बीआर मोड में बोनफायर को यूज करा था। इसलिए मेरे दिल के टुकड़ों, अब आप जब भी बीआर रैंक में मैच लगाओ उससे पहले अपने कैरेक्टर कॉम्बो और अपने रोल के हिसाब से ही एक बेस्ट लोड आउट को सिलेक्ट करना, यानी जो लोड आउट आपको कैरेक्टर कॉम्बो के साथ मदद करे ऐसा। अगर ऐसा करोगे तो एनिमी से ज्यादा तो आपके पास चांसेस होंगे आपके उस मैच को बुइया लेने के। टिप नंबर वन, अब मान लो आपने चारों ही टिप तक सब कुछ अच्छे से फॉलो करते हुए बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बो, बेस्ट रोल और बेस्ट लोड आउट को भी सिलेक्ट कर लिया है, यानी जो आपको इंटरनली और एक्सटर्नली सोलो मैच को विन करने में चीजें हेल्प करने वाली है, उन सभी को तो आपने अच्छे से सेट कर लिया है। तो आखिर में बस आपको लास्ट में अपने अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है, क्योंकि पहले ही आप सोलो मोड में खेल रहे हो और आप अगर डरते डरते मैच को खेलोगे ना तो सच में कोई भी एनिमी आपको मार के चले जाएगा, यानी सच में कोई भी लो लेवल वाला प्लेयर आपको इजीली मार देगा। तो अगर ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आपको सोलो मैचेस को खेलते वक्त हर बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सोलो मैचेस को खेलना है। अगर आप ऐसे ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खेलोगे तो आपके उस मैच में जिंदा रहने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और क्या पता भुया भी निकल जाए। तो इसलिए हर बार आपको सोलो मैच को खेलते वक्त हर बार कॉन्फिडेंस के साथ गेम को खेलना है। तो ये थे मेरे दिल के टुकड़ों और टॉप 5 बीआर रैंक के टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनको यूज करने से आप किसी भी रैंक से हीरोइक, मास्टर या फिर ग्रैंड मास्टर जा सकोगे। और अब इन टिप्स में से आपको कौन सी बीआर टिप अच्छी लगी है आप इस पर अपनी राय कमेंट में बता देना, और मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सी यू लेटर, गुड बाय।